तो सो गाइस, ये है विक्टर जीत हमारे पास, और कर लेते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। बहुत छोटी सी है, देखते हैं इसकी पावर वगैरह कितनी है। तो उसके लिए हमें चाहिए एक स्क्रू, जिससे कि हम इसको कट कर लेते हैं। तो पैकिंग तो ठीक ठाक लग रही है, बाकी इसके वायर वगैरह, तो ये 4x4 नहीं है, 4x2 है। ये सिर्फ पिछले पहिए इसके चलेंगे। ये लिखो इस पर विक्टर जीप, जो कि आधा मीटर हुआ है। ये इसकी लाइट है, और फ्रंट में भी दो लाइट हैं, और दो लाइटें ये है, एक लाइट ये है। लाइटें काफ़ी सारी हैं, अब देखते हैं वर्किंग कौन सी है। ये तो पेच लग रहा है, ये लाइट है ऐसी बम्पर में लगी हुई है। और रूबी आपने देखा होगा, रूबी कॉन की तरह इसका सैम में, मैं रूबी कॉन भी दिखा देता हूँ। तो बम्पर जो है वो दोनों का थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, सैम है थोड़ा, ठीक है। बाकी साइज में दोनों को देख सकते हैं, इसका साइज ये है और इसका साइज, साइज में काफ़ी अंतर है, टायर में भी काफ़ी डिफरेंट है, देख सकते हैं। तो चलो इसको चला के देख लेते हैं अभी। इसके लिए हमें, ओ भाई ये क्या है इसमें, तो इसका तो हमारे पास कोई काम नहीं है, इसको तो हम हटा देंगे, ठीक है। बाकी इसको अभी चेक कर लेते हैं खोल के। तो इसमें सेल वो जो नीचे का पहिया लगाया, वो सिर्फ इसको बैक करने के लिए लगा था। सीधी चलेगी तो ठीक चलेगी, पीछे आएगी तो बैक हो जाएगी। ओह, तो सोलो पे काफ़ी जोर पड़ रहा है, देख सकते हैं। ये जो है ना, इसके पीछे जो लगा हुआ है ये वाला, ये इसको मतलब बैक होने पे घुमा देता है एक साइड, और आगे जाने पर सीधा हो जाता है। बढ़िया ये। तो इससे तो कुछ भी नहीं खींचेगा। ऑफ रोडिंग इसके बस की तो है नहीं, ऑफ रोडिंग में हमारी रूबी कॉन तगड़ी परफॉर्मेंस करेगी। तो देखो कितनी खतरनाक लग रही है ना, खड़ी हो गई दोनों। रूबी कॉन है ये जीप, ठीक।
ठीक है, नेक्स्ट टाइम इससे ही बड़ी जीप लेकर आते हैं। यहाँ पर अभी रूबीकॉन इसको इधर उधर ढकेल देगी। रूबीकॉन बोल में काफ़ी तगड़ी मोटर लग रही है, मुझे लगता है दो मोटर हैं शायद इसके अंदर, नहीं ओनली सिंगल है। तो ये जो मेटल है, ये प्लास्टिक है, ये ऑल प्लास्टिक, सारा प्लास्टिक है इसमें, इसमें मेटल है, ये सब इसका वर्किंग कंडीशन। ठीक है, तो ऑफ रोडिंग में मिलते हैं फिर।